तो दोस्तों यहाँ पे EPF यानी कि PF डिपार्टमेंट से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप वो जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखो। और जिनका PF करता है उन लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, तो जानते हैं इसके बारे में क्या है इसमें अपडेट। तो दोस्तों PF का आप जो डिडक्शन होता था 12% बेसिक सैलरी में, तो अब वो इसमें नहीं होगा। अब आपको ये वेरी करेगा सेक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है EPF, इसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है इन लोगों ने EPFO मंथली कंट्रीब्यूशन टू बी कट फॉर एस्पर टेक होम सैलरी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ सीधे शॉर्टकट में कि पहले जो PF करता था 12% बेसिक सैलरी में, तो अब वो वैरी करेगा बिटवीन 9 to 12%, यानी कि वो 9 से 12% में आपका PF कटेगा। ये टोटली डिपेंड करेगा सेक्टर में, आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो और उस कौन सा ब्रांड है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो 9 से 12% कटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कई लोगों को प्रॉब्लम होती है हालांकि कि PF मेरा 12% कटता है बेसिक सैलरी का, मेरा PF ही 4,000 5,000 कट जाता है। तो कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि PF का जो सैलरी है वो डिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इतना नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि PF हम लोग मानते हैं ना कि वो डबल मिलता है, वो टोटल हम लोग की सैलरी से ही कट के वो PF मिलता है। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा इन हैंड दो सैलरी और मैं PF वगैरह के लिए, ऐसा कुछ नहीं। एम्प्लॉय शेयर ऑफ EPFO कंट्रीब्यूशन में वेरी बिटवीन 9 to 12% डिपेंडिंग ऑन सेक्टर। द फ्लेक्सिबिलिटी विल हेल्प वर्कर्स टू टेक होम अ लेटर सैलरी सेट ऑन ऑफिशियल, यानी कि ये ऑफिशियल बताया गया है यहाँ पे कि टेक होम सैलरी अब ये डिपेंड करेगा EPF में कि 9% करना है या 10% या 11% या मैक्स 12% तक। दस साइड तो बेसिकली दोस्तों ये न्यूज़ थी वो न्यू दिल्ली की थी। द टेक होम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में गो अप स्लाइडली एज द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स टू अलाउ सेलेक्ट सेक्टर टू कट मंथली स्टेज। साइड इफेक्ट ऑफ दिस मूव विल लोअर रिटायरमेंट सिंक कॉर्पस ऑफ वर्कर इन द लॉन्ग रन। द चेंजेस ऑफ रूल विच वेल माइट पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। बेसिकली मे अलाउ एम्प्लॉयज टू पे लेस देन द करेंट 12%। तो दोस्तों जो मेन है वो है करेंटली बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज ऑफ फॉर्मर सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन 12% ईच ऑफ द बेसिक सैलरी एवरी मंथ। द रूल्स मे नॉट बी यूनिवर्सल फॉर ऑल सेक्टर एंड गवर्नमेंट मे अलाउ दिस इन सर्टेन सेक्टर लाइक MSME, टेक्सटाइल एंड स्टार्टअप फॉर्म्स एज पर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल फैमिली विद द डेवलपमेंट हु स्पोक ऑन कंडीशन एंड एनोनमिटी। सो नाउ दोस्तों अब आपका PF कहीं 9% भी कर सकता है, 11% भी कर सकता है, 11 या 12%, यानी कि 9 और 12 के बीच में कटेगा। तो यहाँ पे जिनका ज़्यादा PF करता था या जिनकी ज़्यादा सैलरी होती थी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ पे ये वैरी करेगी और थोड़ी सी हम लोगों को राहत और हेल्प मिलेगी अब PF के लिए। कि दोस्तों PF 5-6 हज़ार, अगर आप 30 हज़ार के अराउंड पे सैलरी पे हैं तो अराउंड आपका 5-6 हज़ार तक PF ही कट जाता था उसमें। तो दोस्तों यही सब कुछ है और देखते हैं आखिर ये बाकी कौन से या किस सेक्टर में अप्लाई होता है और कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। बट बेसिकली इतना था कि जो अब डिपेंड करेगा आप किस सेक्टर पे 9 से 12% किस में किस सेक्टर में आप, और उसी के अकॉर्डिंग आपका EPF वगैरह डिडक्ट होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। और इसको आपको सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए क्योंकि यही एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको कन्फ्यूजन डाउट और ऐसे वीडियोज़ मिलते हैं जो कि कोई नहीं बनाता। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑनस्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑनस्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।